खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा, पिछले कई दशकों से यह सवाल करोड़ों लोगों के जहन में घूम रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तेजी से सुनवाई हो रही है, फैसला बहुत जल्द आने की उम्मीद है और इसी उम्मीद पर पिछले कई सालों से राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। एबीपी न्यूज आज आपको राम मंदिर निर्माण की हर प्रक्रिया बहुत ही करीब से दिखाएगा। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता विजय विद्रोही राम मंदिर निर्माण की इसी यात्रा पर निकले, आपके लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आए हैं। फैसले की उम्मीद में पत्थर लाने और तराशने का काम और तेज हो गया है। हमारे सहयोगी विजय विद्रोही ने दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर भरतपुर से राम मंदिर पत्थर यात्रा की शुरुआत की। भरतपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर है बंसी पहाड़पुर कस्बा, जहां से शुरू होती है राम मंदिर के लिए पत्थरों की यात्रा। बरसात का मौसम है, हर तरफ घास और पेड़ पौधे उगाए हैं। इन्हें चीरते हुए विजय विद्रोही बढ़ रहे हैं पत्थर की खदानों की तरफ। भरतपुर से 40 किलोमीटर दूर बंसी पहाड़पुर में जहां देखो खदाने ही खदाने नजर आती हैं। जहां निगाह डालो वहीं लाल, गुलाबी और सफेद सैंडस्टोन नजर आता है। इन्हीं खदानों से राम मंदिर के लिए पत्थर निकाला जाता रहा है। एक जगह कुछ मजदूर मिल जाते हैं। पता चला कि एनजीटी ने पत्थर निकालने के लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगा रखी है, लिहाजा कुछ पत्थर खदानों में काम बंद पड़ा है। यही हमारी मुलाकात हुई बंटी से। बंटी पिछले 10-12 सालों से पत्थर खदान में काम कर रहा है। वो राम मंदिर के लिए पत्थर कटाई कर चुका है। बंटी का कहना है पत्थर कटाई से निकलने वाली धूल फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता। नतीजा पत्थर तराशने वाले मजदूर 39 साल के होते होते राम प्यारे हो जाते हैं। देख रहे हैं पत्थर फूल रहे हैं, उसमें बड़े खराब हो जाते हैं। और का टी यानी तुरंत 4 साल से यार ये नहीं आ रहा। 40 साल दिया। तो मतलब राम मंदिर के लिए पत्थर तराशते हैं और राम को प्यारे हो जाते हैं। सही बात, ये काम है। बंटी जैसे करीब 30-40 हजार मजदूरों को यहाँ की पत्थर खदाने रोजी रोटी भी देती हैं और बीमारियां। दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री जिस लाल किले की प्राचीर से हर साल 15 अगस्त को भाषण देते हैं वो यहीं के पत्थर से बना है। राष्ट्रपति भवन भी, राम मंदिर पर जिस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसकी इमारत भी बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से बनी है। राम मंदिर के लिए एक नंबर की क्वालिटी का पत्थर छांटा जा रहा है। किले देखे होंगे, राजा महाराजाओं के किले और वो सब बन रहे हैं, वो इसी पत्थर से बन रहे हैं। तुम्हारा राष्ट्रपति भवन अटल सब इसी से बने हुए हैं। हमने कृपालु जी महाराज का किया है और अपना स्वामीनारायण मंदिर जो दिल्ली में अक्षरधाम जो बना है उसमें भी काफी पत्थर गया है। यहाँ के सैंडस्टोन हो या पिंक स्टोन, इनकी खासियत है कि पानी पड़ने के बाद और ज्यादा निखर जाते हैं। इनका पाना पतला होता है, लिहाजा कार्विंग या कहे तो नक्काशी आसानी से होती है। ये महीन कारीगरी के लिए तो बिल्कुल मुफीद है। इनका दाना बाहर नहीं निकलता और 1000 साल बाद भी खराब नहीं होता। राजा महाराजाओं के टाइम से जो भी किले, महल वगैरह सब जो भी बने हुए हैं सैंडस्टोन के बने हुए हैं। कहीं भी देख लो आप, फतेहपुर की दरगाह देख लो या अपना कहीं भी दिल्ली में देख लो, कहीं भी देख लो, सब
अच्छा पत्थर है सैंडस्टोन, इसकी लाइफ बहुत है। इस पिंक स्टोन बहुत सारी कहा जाए, इसमें जितना ही पत्थर पे पानी जाएगा उतनी ही इस पे शाइनिंग आती है। इस पत्थर में कभी भी रुनी नहीं लगती है। इस पत्थर से कई इमारतें बनी हुई हैं, फतेहपुर सीकरी है, लाल किला है, साउथ ब्लॉक अभी बना है दिल्ली में, नॉर्थ ब्लॉक है, बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए जो पिलर खड़े होंगे उन पिलर के लिए बंसी पहाड़पुर का पत्थर पूरी तरह से मुफीद है। करीब 14 से 16 फीट लंबा, जैसा कि आप ये इस पत्थर को देख रहे हैं, इसकी लंबाई होनी चाहिए। 4 से लेके 6 फीट तक का इसका व्यास होना चाहिए और ऐसा पत्थर बंसी पहाड़पुर में आसानी से मिल जाता है पिंक स्टोन, इसलिए इसकी मांग और ज्यादा है। यहां से पत्थर खरीदने का काम विश्व हिंदू परिषद कर रही है, बजरंग दल भी उसमें सहयोग दे रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीनों में ही यह 40,000 घन मीटर पत्थर कार सेवकपुरम भेजा गया है। कुल मिलाकर अब तक 1,25,000 घन मीटर पत्थर भेजा जा चुका है। तेजी का माहौल बना हुआ है और लगभग पिछले 2 महीने में 40,000 घन मीटर के लगभग पत्थर जा चुका है और नक्काशी का काम वहाँ पर ही अयोध्या में ही हो रहा है। यहाँ से पत्थर के ब्लॉक जा रहे हैं या अपने कटिंग का पत्थर जा रहा है, बाकी का काम वहाँ पर तेजी से मतलब तेज गति से हो रहा है। पर्याप्त पत्थर पहुंच चुका है, यदि सुप्रीम कोर्ट से यदि हमारे पक्ष में फैसला आता है तो हम बहुत जल्दी भव्य राम मंदिर का निर्माण बहुत जल्दी से कर देंगे। हमें बताया गया कि यूपी में अखिलेश यादव की सरकार के समय पत्थर निकासी पर लगभग रोक थी जो अब हट गई है, लिहाजा पिछले कुछ महीनों में पत्थर निकासी में तेजी आई है। अलबत्ता राम मंदिर के पत्थर पर से 5% GST हटाने की मांग की जा रही है। पहले आप लोग कहते रहे, आरोप लगाते रहे कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो वो पत्थर जो जाता था उसमें टोका टाकी ज्यादा होती थी, अब ऐसा नहीं है। हाँ, उन्होंने तो बंद ही करवा दिया था, वो तो 2017 में योगी सरकार आई तो तब से फिर पत्थर का निर्माण, पत्थर भेजने का कार्य प्रारंभ हुआ है दोबारा से। उन्होंने तो बहुत ऐसे ऐसे काम करवाए हैं कि मंदिरों में घंटियां नहीं बजवाने देते थे, मंदिरों में निर्माण में बहुत बाधाएं आ रही थी, पर प्रभु श्री राम की कृपा से पत्थर निर्माण चल रहा है और जल्दी मंदिर का निर्माण भी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि यहां से इतना पत्थर भेजा जा चुका है जिससे मंदिर के 2 तल आसानी से बन सकते हैं। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। हालांकि लोगों का मानना है कि अगर फैसला खिलाफ आया तो मोदी सरकार राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाएगी। सुप्रीम कोर्ट में फैसला 100% हमारे पक्ष में आएगा और नहीं आता है तो सरकार से मांगे हमारी कि अध्यादेश लाके मंदिर की शीघ्र निर्माण किया जाए, जो 370 खत्म कर सकती है, 3 तलाक खत्म कर सकती है, तो वो राम मंदिर का अध्यादेश भी पास करा सकती है। यहाँ के व्यापारियों का कहना है राम मंदिर के लिए पत्थर भेजना धर्म का काम है और वो मुनाफे की चिंता नहीं करते, सिर्फ खर्चा निकल जाए इतना ही ध्यान रखते हैं। बंसी पहाड़पुर में पत्थरों को खान से निकाला जाता है और फिर इस तरह उनकी कटाई होती है। इस कटाई के बाद ये पत्थर राजस्थान के ही सिरोही जिले के पिंडवारा में भेजा गया लगातार, वहाँ इस पर नक्काशी का काम हुआ। आइए हम भी यहाँ से चलते हैं पिंडवारा। भरतपुर से जयपुर, ब्यावर, पाली होते हुए विजय विद्रोही ने 600 किलोमीटर सफर तय किया। पिंडवारा जोशीरोही शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। दोनों तरफ अरावली की पहाड़ियों के बीच से होते हुए विजय विद्रोही आखिर जा पहुंचे पिंडवारा, जहां राम मंदिर के लिए लाए गए पत्थर की तराशी का काम होता रहा है। पिछले 20-25 सालों में 3-4 बार मेरा पिंडवारा आना हो चुका है। जब जब यहां आया हूं तब तक यहां राम मंदिर के लिए पत्थर तराशी का काम चल रहा था। एक वक्त तो ऐसा था जब 3-3 वर्कशॉप थी, 3-3 कार्यशालाओं में काम चल रहा था, 100 से ज्यादा, 150, 200 से ज्यादा कारीगर, स्थानीय कारीगर इस काम से जुड़े हुए थे। यहाँ एक हुनरमंद कारीगर हमें मिल गए, गणेश भाई, जो पिछले 30-35 साल से पत्थर तराश रहे हैं। राम मंदिर के लिए अकेले 7-8 पिलर पर नक्काशी कर चुके हैं। बातों का सिलसिला चला तो पुरानी बातें याद आने लगी। राम मंदिर तो पहले हम काम किया था, राम मंदिर का वो बोलते थे राम मंदिर के बनने वाला था, हमने खुशी से काम किया कि कितना जल्दी बना था, हमको अच्छा लगे ऐसा। फिर वो धीरे धीरे वो काम पूरा गया, वो बंद हो गया। वो तो क्या भाई, क्या वो विश्व हिंदू परिषद के नेता भी आते थे, नेता आते थे, क्या कहते थे आपसे लोगों से?
वो आते थे, वो जो अभी वो पहले आते थे वोट होने थे जब, हाँ मंदिर बनेगा मंदिर बनेगा, कोई सुनवाई नहीं हुई ना, अभी मंदिर बनने वाला है, सुना है कि भाई मंदिर बनने वाला है। यह 1990 में तीन कार्यशालाएं खोली गई थी। उस समय वीएचपी के बड़े नेता अशोक सिंघल और आचार्य गिरिराज किशोर ने यहाँ खुद आकर इनका उद्घाटन किया था। अगले 5-6 साल तक यहाँ से भारी तादाद में तराशा हुआ पत्थर अयोध्या भेजा गया। इनमें पिलर, जालियां, गर्भगृह का पत्थर, मंडप का पत्थर आदि शामिल है। तो मंशाराम जी, आप राम मंदिर के लिए पत्थर तराशी के काम के लिए जब वीएचपी ने आपको अप्रोच किया तो किसने अप्रोच किया था? यहाँ से गड़गड़ कर भेजा था पत्थर, और वो संपत जी थे, अशोक सिंगल, ये 4-5 जने आते थे यहाँ। तो वो हिंदू प्रसिद्ध की संस्था थी। तो जैसे आप लोगों से, आपसे कहा कि आप राम मंदिर के पत्थर तराशी का काम होगा आपके यहाँ, आपकी वर्कशॉप में, तो आपको खुशी हुई? बहुत खुशी तो बहुत हुई थी, और अभी भी खुशी है कि मंदिर बन जाए, और बनेगा ही मंदिर। तो अभी जैसे अयोध्या में पत्थर पड़ा तो आपको दुख होता है कि काई जमी हुई है और लोग वहीं आके मत्था टेकते हैं, लेकिन राम जी वहाँ टेंट में पड़े हैं। बिल्कुल सर, दुख तो होता है सर, वो तैयार किए हुए भी कितने सालों हो गए, अभी भी मंदिर का काम नहीं हो रहा है, काई भी जम रही है, पत्थर भी खराब हो रहे हैं, और देखते हैं तो दुख होता है कि ये पत्थर फिटिंग हो जाए और भगवान अंदर विराजमान हो जाए तो हमको भी खुशी होगी थोड़ी। चाहे भारत के प्राचीन मंदिर हो या इस समय के लक्ष्मी नारायण मंदिर हो, चाहे स्वामी नारायण मंदिर हो, अक्षरधाम मंदिर हो या इस्कॉन के मंदिर हो, इन सब मंदिरों के पीछे पिंडवाड़ा के इन हुनरमंद कारीगरों की मेहनत रही है। यहाँ के कारीगर लंदन से लेकर सूरीनाम, अमेरिका तक जाकर बसे हैं, वहाँ पर भी मंदिरों के लिए पत्थर तराशी का काम करते रहे हैं। यहाँ हमें मिल गए बीजेपी के नेता सुरेंद्र मेवाड़ा, बताने लगे बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से पत्थर तराशे और अयोध्या भेजे गए हैं, अलग अलग टुकड़ों के रूप में जिन पर नंबर उकेरे गए हैं। अयोध्या में पत्थर अब एक दूसरे पर नंबर के हिसाब से रख दिए जाने हैं। गौरतलब है यहाँ सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होना है। तो इस तरीके से गढ़ाई यहाँ हुई है कि वहाँ जाके मतलब पूरा सेटअप सेटअप ही है, सेटअप करके ही वहाँ से यहाँ से गया हुआ है, नंबरिंग की हुई है, नंबरिंग की हुई है वहाँ पर। एक पिलर के ऊपर दूसरा पिलर ऐसे, हाँ वो एक पिलर के ऊपर जो नंबरिंग से मतलब तुरंत ही खड़ा हो जाएगा मंदिर। इतना पत्थर यहाँ से तराश के जा चुका है कि पहली मंजिल बन जाएगी, पूरा कंप्लीट बन जाएगा, इतना मंदिर तैयार हो गया है। पिंडवाड़ा में वैसे तो सदियों से पत्थर तराशी का काम हाथ से होता रहा है, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दूसरे लोग अपने हुनर का कमाल दिखाते रहे हैं, लेकिन अब इसका एक रिप्लेसमेंट आ गया है मशीन से, इसे CNC कहते हैं, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। इससे जैसे ये जाली यहाँ बन रही है, ये जो पीछे आप जाली देख रहे हैं ये जाली भी ऐसे बनी हुई है। हमारे साथ अलकेश लोहार हैं। तो ये किस तरह का काम है, मशीन के कैसे होता है? सर ये एक तरह से CNC काम कहते हैं इसको, ये मशीन एक टेक्नोलॉजी पे काम करती है। पहले हम इसका ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग की बेस पर हम इसको यहाँ पे इसके प्रोग्रामिंग में डालते हैं, फिर एक चिप्स होता है वो इसमें प्रोग्रामिंग इसमें मशीन में लाकर डालते हैं, फिर उसके बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप काम करता है। आपने डिजाइन बना के रख दिया और ये मशीन अपने आप? हाँ जी, डिजाइन के ऊपर हमने प्रोग्रामिंग बनाया, उसी प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो डिजाइन यहाँ पे पत्थर पे बनाता है, और पत्थर को हम पहले सेट कर देते हैं, ये 2-3 घंटे 4 घंटे जैसी प्रोग्राम होता है चलता रहता है, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है बनने के बाद। हजारों टन का पत्थर तराशा जा चुका है, राम मंदिर के लिए जितना पत्थर चाहिए वो भी इकट्ठा किया जा चुका है, जिसे धीरे धीरे अयोध्या भिजवाया जा रहा है। बंसी पहाड़पुर की खान से निकला और पिंडवाड़ा में तराशा गया राम मंदिर का पत्थर, इसी राष्ट्रीय मार्ग के जरिए अयोध्या भेजा जाता है। तो हम भी अयोध्या कूच करते हैं, कैमरामैन वेद पांडे के साथ विजय विद्रोही, पिंडवाड़ा, सिरोही, ABP न्यूज। राम मंदिर पत्थर यात्रा का तीसरा और अंतिम चरण अयोध्या है। विजय विद्रोही भी पिंडवाड़ा से अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंचे हैं, यहां भक्त राम मंदिर का इंतजार कर रहे हैं, और जब तक राम मंदिर नहीं बनता तब तक राम मंदिर के मॉडल का दर्शन करते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में 2 मंजिलें होंगी, पहली मंजिल पर रामलला विराजमान होंगे तो दूसरी मंजिल पर सभागार होगा। मंदिर के लिए शहर शहर से राम के राम की ईंट मांगी गई थी। इसके साथ ही आपको तराशे गए पत्थरों का ढेर मिल जाएगा, नक्काशी की गई छत भी इंतजार कर रही है। इसी गुलाबी पत्थर से देश का सुप्रीम कोर्ट भी बना है जो राम मंदिर पर अंतिम सुनवाई कर रहा है, इसी गुलाबी पत्थर से संसद भी बनी है जिसमें राम मंदिर को लेकर राजनीति होती रही है, इसी
गुलाबी पत्थर को लेकर दूसरी सरकारी इमारतें, नॉर्थ ब्लॉक हो, साउथ ब्लॉक हो, राष्ट्रपति भवन हो, ये सब भी बने हैं। पत्थर तराशी का काम यहाँ अयोध्या में भी चल रहा है। इससे पहले राजस्थान के सिरोही जिले के पिंडवारा में भी तीन कार्यशालाएं थी 1990 के आसपास। ये कार्यशालाएं वहां खोली गई थी, तब आचार्य गिरिराज किशोर और अशोक सिंगल, जो विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हुआ करते थे, वो वहां गए थे। उन्होंने खुद ये कार्यशालाएं खोली थी और वहां पर पत्थर तराशी का काम हुआ। पत्थर यहां आज लाए जा रहे हैं, लगातार उनको लाने का सिलसिला जारी है। अब सबको यहां इंतजार है कि राम मंदिर पर फैसला आएगा, राम मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा, जल्द से जल्द फैसला आएगा। पहले कहा जाता था कि रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। इस पर विरोधी लोग तंज किया करते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तो शायद पहली बार अब तारीख बताने का मौका भी राम भक्तों को भी मिलेगा और पूरा देश देखेगा कि यहाँ कब राम मंदिर का निर्माण शुरू होता है। सबकी नजरें इस समय सुप्रीम कोर्ट पर है। कुल मिलाकर सभी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। इंतजार के साथ ही उम्मीद भी कि राम मंदिर के रास्ते में आई सारी अड़चनें दूर होकर रहेंगी। कैमरामैन वेद पांडे के साथ संवाददाता विजय विद्रोही की रिपोर्ट।